चलो, अब मगध एम्पायर के बारे में बात कर लेते हैं। वो मगध एम्पायर क्या था और किसने इसकी नींव रखी? चलो, वो सबसे पहले मगध, BC यानी 6th सेंचुरी। देखो, पहला जो फीचर है मगध मगध एम्पायर का, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मगध एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था। देखो, ये जो रीजन है ये मगध में था, ठीक है। बट ये किस टाइम का मगध था? जब बिंबिसार थे, मतलब फर्स्ट जो हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, ही वाज एक तरह से कह सकते हैं रियल में तो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बट कौन रूल करता था उनसे पहले यहाँ पे? बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार के टाइम पे मगध एम्पायर सिर्फ यहाँ तक था, ठीक है। सिर्फ ये जो गंगा, अपर और लोअर गंगा का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बना देते हैं गंगा भी, यही अपना। लेकिन उसके बाद जब मौर्यन जो सम्राट थे, अशोक, ये क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, जब इन्होंने इसका एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया तो ये अप टू दिस चला गया, और अशोका के टाइम पे ये यहाँ तक था। तो ये था ग्रेट मगध एम्पायर। देखो, ये अब तुम्हें मैं बताती हूँ। देखो, बिंबिसार के टाइम पे ये यहाँ तक था, जो 16 महाजनपद से, और ये था टिल यहां तक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और यहाँ जब, अब इसके बाद जो एक्सपेंशन हुआ है वो, दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। ये कोई बाउंड्री थी ही नहीं, ये रियल बाउंड्री है इंडिया की, बट ये कोई बाउंड्री थी नहीं, और ये अशोका के टाइम तक यहाँ तक। तो अब बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। तो बिंबिसार, सबसे पहले तो डेट लिख लेना कब से कब तक रूल किया है बिंबिसार ने। तो ही वॉज द फर्स्ट बिंबिसार, 546 टू 490। बिंबिसार कौन थे? ये थे हरियंत, ये हरियंत वंश के थे। ही वॉज हरियंग डायनेस्टी, ठीक है। और इन्होंने अपनी उसमें अपने साम्राज्य को किस तरह से बढ़ाया? तो उस समय क्या होता था, अगर किसी पे आप अटैक कर रहे हो, किसी रूलर पे, अगर वो सबमिट कर देता है तो भी वो राज्य आपका, अगर आप उसे वैसे जीत लेते हैं। और एक और वो उस समय प्रचलित थी, दैट इज मैट्रिमोनियल अलायंस। तो वो क्या करते थे, सामने वाले जो राजा होते थे वो फिर क्या कहते थे कि भाई हम अपनी बेटी विवाह में दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो जो रूलर थे उनकी बेटी या जो भी होते थे उनसे विवाह कर लेते थे, और ऑटोमेटिकली वो फिर डाउरी में उनको मिल जाता था। तो यही हुआ था बिंबिसार के साथ कि उनके मैट्रिमोनियल अलायंस थे कोशला, ठीक है। उनकी शादी किससे हुई थी? मैट्रिमोनियल अलायंस इसे कहते हैं, जब कोई भी राजा अपनी, मतलब वैवाहिक जो वो बन जाते हैं रिश्ते उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंस विद कोशल, कोशला जो हमने कल भी पढ़ा था, कोशल वहां के जो प्रिंसेस थी, कोशला देवी, ही मैरिड टू कोशला देवी। बिंबिसार फर्स्ट मैरिड टू कोशला देवी,
कौशला देवी। तो वो पहले कौशला देवी से उसने शादी की, और फिर और कौशला देवी कौन थी? कौशला देवी वॉज सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। कौशल के जो राजा थे उनकी बहन थी। और फिर प्रसेनजीत ने क्या किया? गिव हिम काशी एज डाउरी। उन्होंने उसे काशी डाउरी में दे दिया। जो काशी अपनी राजधानी थी वो डाउरी में दे दी, काशी एज डाउरी। काशी जो राज्य था वो उन्होंने उन्हें दहेज में दे दिया था। किसको? बिंबिसार को। तो फिर बिंबिसार का मगध एम्पायर यहाँ तक आ गया, क्योंकि कौशला कहाँ था? यहाँ तक था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपना एक्सपेडिशन किया। फिर बिंबिसार मैरिड चेलन्ना लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ वैशाली। अब उन्होंने उनका राज्य यहाँ तक आ गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ वैशाली की जो प्रिंसेस थी चेलन्ना उससे भी शादी की थी। तो अब उन्होंने, तो उस समय मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत पॉपुलर रहती थी कि कोई भी राजा किसी पे अटैक करता था तो वो रिश्तेदार बन जाते थे ज्यादातर। फिर बाद में ये चीजें बाद में भी हुई हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बता सकती हूँ तुमको, बिंबिसार ऑल्सो मैरिड टू, ऑल्सो ही लिखना क्योंकि एक बार तो कर चुके शादी। और ये मैट्रिमोनियल अलायंस के चक्कर में बहुत लोग बहुत सारी, इसलिए इनकी बहुत सारी महारानियां होती थी, सुना तुमने? इसलिए इनकी बहुत सारी महारानियां होती थी। ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस होती थी ना, वो राज्य भी हमें मिल जाएगा, वो राज्य भी, तो इसलिए इनकी महारानियां बहुत हो सकती थी। जैसे कि अकबर का एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, अकबर आए और इन्होंने फिर यहाँ पर क्या, उनकी खुद की तो बेगम थी, लेकिन फिर उन्होंने क्या की, राजपूत जो प्रिंसेस थी जोधा उनसे शादी की, ठीक है, जोधा, और फिर जो राजपूत जो पूरा उनका था उन्हीं के उसमें हो गया, है ना। तो एक तरह से ये स्ट्रैटेजी होती थी, मतलब उन्हें कुछ खास किसी से वो नहीं होता था, बट राज्य को लेने के लिए वो लोग शादी करते थे, ठीक है। बेसिकली विवाह जो उनके होते थे वो राज्य के लिए होते थे। बिंबिसार ऑल्सो मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस चेलन्ना। प्रिंसेस चेलन्ना, और ये कहाँ की प्रिंसेस थी? लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी तो इनकी डायनेस्टी हो गई, और कहाँ की थी? फ्रॉम वैशाली। ये वैशाली वाला वैशाली नहीं है जो हमारे यहाँ पर, ये वैशाली यहाँ था, अब इनके नाम बदल गया है, ये पहले महाजनपद का पार्ट था, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी इनकी? मगध की राजगीर। राजगृहा या राजगीर दोनों नाम से बोला जाता था, प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग होता था। और एक और इन्होंने तीसरी भी शादी की थी, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो खेमा राज्य था पंजाब का, खेमा राज्य, वहां की प्रिंसेस से भी इन्होंने शादी की थी। तो इनका जो वो हो गया था वो अप टू द पंजाब हो गया था, ठीक है, यहाँ तक इनका मगध एम्पायर यहाँ तक इंक्रीज कर लिया था इन्होंने। डिफीटेड ब्रह्मदत्त ऑफ अंग। तो बेटा देखो, जो ये अंग राज्य था, यहाँ पर राजा थे ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार ने इसको भी हरा दिया, और अंग भी किसका पार्ट बन गया? मगध एम्पायर का। तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेडिशन की, ठीक है। अब एक्सपेडिशन तुम देखो, पहले कौशल इनका पार्ट नहीं था, ये पार्ट नहीं था, कौशल की देवी से शादी कर ली तो ये भी इन्हें मिल गया, ठीक है। फिर ये जगह वैशाली इनका पार्ट नहीं था, वैशाली की प्रिंसेस इसने चेलन्ना से शादी कर ली तो इनसे भी इनकी हो गई, तो ये भी इनके राज्य में मिल गया, और यहाँ पर भी। और ऐसा नहीं था कि शादी ऐसे ही हो जाती थी, रिश्ता भेज देते थे, हमला करते थे ये लोग, पहले हमला करते हैं, उसके बाद जब वो सामने वाली पार्टी सबमिट कर देती है तो वो राजा कहते हैं ठीक है, आप मतलब आपको शादी में विवाह के तौर पे, मतलब अपनी बेटी हम आप सबको विवाह में दे रहे हैं। क्योंकि वो लोग पहले क्या होता था, राजा महाराजा किससे खुश होते थे? जो योद्धा होता था उसको अपनी लड़की देते थे, है ना। ऐसे नहीं कि आज के टाइम में ऐसे ही कर देते हैं शादी, यहाँ
जिसकी सरकारी नौकरी है, मतलब अब भी वही है, अब भी क्या है, सरकारी नौकरियां तो देंगे, है ना। अब पहले क्या होता था, योद्धा, हाँ पैसा होना चाहिए, सरकारी कुछ नहीं होता। हाँ ये बात हकीकत है, मतलब ये एक माइंडसेट बना रखा है, नहीं हम अपनी बेटी सरकारी, यार क्यों, मतलब तुम ये ट्रेंड चलाओगे, सिर्फ वर्ड सरकारी, वैकेंसी वहां पे कम है, कुछ लोग वहां पर जाते हैं अपार्ट फ्रॉम जॉब, है ना। क्यों कोई अच्छा प्राइवेट में अगर उसका अच्छा पैकेज है तो वाई वहां पर वो लड़की की शादी क्यों नहीं करते आप, तो ये चीज है। और मैं तो कहूंगी तुम ये क्यों कह रहे हो कि हम सरकारी लड़के से अपनी लड़की की शादी करेंगे, तो अपनी लड़की को कहो ना लड़की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे है ना। अरे चार चार लड़कियां कल यूपीएससी में, चार टॉप पोजीशन पे फोर लड़की थी, चार लड़कियां थी। लड़की को एनकरेज करो कि अब हमारी सोसाइटी में ना नॉर्म्स बने हुए लड़कियों के लिए कि नहीं शादी करनी है सरकारी वाले से कराएंगे। अरे अपनी लड़की को इतना पढ़ाओ लिखाओ, लड़की के लिए इतना कुछ करो तुम कि वो सरकारी नौकरी कर ले, और कोई दंगल वाली बात कि फिर लड़के उसे देखना है कि हम सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी करेंगे, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए, ये माइंडसेट हमारी उसमें बना हुआ है। तो इसको फांसी फिर डाउरी में मिल गया कौशला देवी से, उसने फिर इससे खेमा पंजाब की जो राजकुमारी थी यहाँ से भी शादी की, तो इनका साम्राज्य अब तो पंजाब हो गया, ठीक है। अब बिंबिसार जो थे वो उनके टाइम पे कौन कौन थे, तुम अगर डेट याद हो तो बेटा ये वही डेट है जिस समय वर्धमान महावीर, महावीर जैन और गौतम बुद्धा थे, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा के कंटेम्परेरी कौन थे, कंटेम्परेरी मीन समकालीन, यानी जिस समय बिंबिसार थे उस समय गौतम बुद्धा भी थे और उस समय महावीर जैन भी थे। तो ये जरूर लिख लेना यहाँ पे कि महावीर बिंबिसार वॉज, बिंबिसार वॉज कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मीन्स समकालीन, यानी उसी समय दोनों वो भी जीवित थे, उसी समय जिस समय इनका राज्य था, कंटेम्पररी ऑफ बोथ बुद्धा, बोथ गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर। इनका पूरा नाम था महावीर का, वर्धमान महावीर जैन, और वर्धमान महावीर जैन साफ लिखते, ठीक है। तो ये दोनों की कंटेम्परेरी थे, यानी कि इनके समय ये थे, और इन्होंने बुद्धिस्ट संघ में बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, बुद्धिस्ट संघ को इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, ये दोनों के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। अब बिंबिसार के बाद यहाँ के जो रूलर थे वो थे अजातशत्रु, बिंबिसार के बाद थे अजातशत्रु। इनकी डायनेस्टी से भी नाम पूछा जाता है कि ये कौन सी डायनेस्टी से, तो याद रखना बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी के थे, हर्यक डायनेस्टी। फिर आते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु इनकी डेट लिख लेना, अजातशत्रु की 494, 494 to 462, ये 9 सही लग रहा है, मैं ऐसे बना देती हूँ, 494, 4 to 4 60 BC, BC जरूर लिख लेना बेटा, ये तो AD नहीं था, ये BC था, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने और अच्छी अच्छी चीजें की अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, सभी करते हैं उस समय रूलर जो भी थे। सबसे पहले तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, सब अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, और क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे और रिसोर्सेज उसमें जुड़ जाएं और
वो अच्छे से रूल कर पाए। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन्होंने कहां कहां की थी? ही फोर्ट अगेंस्ट कोसला एंड वैशाली, इसी में लिखना ही फोर्ट अगेंस्ट अगेंस्ट पोशन एंड वैशाली। जो बिंबिसार ने मिलाया था उसके बाद देखो फिर ये रूलर बने तो ये स्वतंत्र हो जाते हैं और उसके बाद फिर इन्होंने फिर से वो किया। तो देखो मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी पहले? राजगीर। लेकिन ही फोर्टिफाइड एक स्मॉल विलेज, एक विलेज था जो कि मगध एम्पायर की आगे चल के राजधानी बना, पाटलीग्राम। और पाटलीग्राम का ही नाम बदलकर क्या हो गया था? पाटलिपुत्र। ठीक है, बाद में मगध एम्पायर की, द ग्रेट मगध एम्पायर, उसकी राजधानी बना पाटलिपुत्र। तो इन्होंने इसमें लिखना ही फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मीन्स किलाबंदी की, चारों ओर वॉल बनवा दी, किले बनवाए, ठीक है, किलाबंदी कर दी, फोर्टिफाइड पाटलिग्राम जो कि बाद में बना पाटलिपुत्र। और इन्हें माना जाता है कि बेटा ये अर्लियर जैन धर्म को फॉलो करते थे, अर्लियर जैनिस्ट, इन्होंने जैन धर्म फॉलो किया था, बट लेटर, लेकिन बाद में ही एम्ब्रेस बुद्धिस्ट, ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, ठीक है, अजातशत्रु ने, पहले वो जैन धर्म के फॉलो थे लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। और ये बात एक भारत एक जगह है बेटा, भरहुत एक स्थान है जहां पर भरहुत में स्कल्पचर है, स्कल्पचर मीन्स मूर्तियां, तो वहां पर ये डिपिक्ट है, डिपिक्ट मीन्स उस भरहुत स्कल्पचर में ये दिखाया गया है कि अजातशत्रु गौतम बुद्धा से मिले हैं, डिपिक्ट्स दैट अजातशत्रु मीट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है उस डिपिक्शन को, स्कल्पचर को देख के कि अजातशत्रु जो थे वो गौतम बुद्धा से मिले हैं, ठीक है, उस समय मिले थे। और महावंशा में भी लिखा हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के उसमें हुई थी, है ना, इन्हीं की पैट्रोनेज में हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो मगध एम्पायर हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अब हमें मगध एम्पायर तब तक पढ़ना है जब तक चंद्रगुप्त मौर्य और आफ्टर अशोका, ठीक है, तो हम नेक्स्ट में करेंगे। एक छोटी सी डायनेस्टी है शैशुंग डायनेस्टी, फिर नंदा के बारे में पढ़ेंगे, नंद, और उसके बाद क्या हुआ था शैशुंग डायनेस्टी के बाद, अलेक्जेंडर ने यहाँ पे हमला किया था, सिकंदर ने, और उस जिस समय हमला किया था उस समय कौन थे मगध के राजा? ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या था पूरा, है ना, ये बिंबिसार के टाइम पे, फिर अजातशत्रु ने ये पूरा फिर कंट्रोल में लिया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद देन अशोका। अशोका के टाइम का जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा था, देखो, ठीक है, अप टू दी, मैं जब नेक्स्ट क्लास में मैप बनाऊंगी तो मैं पूरा डिपिक्ट करूंगी कि साउथ इंडिया में कितनी जगह कहाँ तक था अशोका एम्पायर, तो इसलिए उन्हें कहते हैं सम्राट महान अशोका। समझ तो आता है ना, घर में पढ़ाती हूँ तो फीडबैक मुझे दे दिया करो, चंचल कंचन चंचल याद आ रही है, ठीक है, बता दिया करो, आता है ना समझ में। और ये कोई क्वेश्चन हुआ करे तो पूछ लिया करो, कुछ समझ ना आए कि ये क्या लिखने का तो खैर मेरा ऐसा ही है, लेकिन कहानी में कि उस समय ये चीज हुई थी तो तुम लोग याद रखोगे कहानी से, है ना।